तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिर से हम हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आपको संज्ञा पढ़ा चुकी थी। संज्ञा किसे कहते हैं, इनके कितने भेद होते हैं, उनके भेदों का परिभाषा, ये सारे चीज मैं पढ़ा चुकी। अब हम आप सबको बताएंगे संज्ञा से ही अभ्यास, अभ्यास का क्वेश्चन आंसर। तो अब हम आते हैं अभ्यास में, क्या दिया गया है, किन्हीं चार जंतुओं के नाम लिखें, किन्हीं चार जंतुओं के नाम लिखें, यानी जीव जंतु। तो आते हैं हम, पहला प्रश्न है अभ्यास का, प्रश्न किन्हीं चार जंतुओं के नाम लिखिए, क्या करना है, किन्हीं चार जंतुओं के नाम लिखना है। तो इसमें जैसे जंतु में आता है तितली, फिर है जैसे पशु पक्षी में आ जाता है घोड़ा, हाथी। तो आते हैं हम चार जंतु, तो ये सब जैसे खुद से बनाना है आप सबको। तो क में है, क का लिखना है, ख लिखना है, ग में लिखना है, घ लिखना है, और एक अंग। इसमें हम एक लिख देते हैं सबको, तितली, क्या तितली, बाकी आप सबको खुद से लिखना है। अब क्या लिखेंगे, कीट पतंग के बारे में लिखें या फिर पशु पक्षी के बारे में लिखें, लेकिन चार जंतुओं का यहाँ पे नाम लिखना है। अब है किन्हीं चार वस्तुओं के नाम लिखना है। अब दूसरा में क्या है, चार वस्तुओं के नाम लिखना है। किन्हीं चार वस्तुओं के नाम लिखिए। किन्हीं चार वस्तुओं के नाम लिखिए। अब इसमें आता है जैसे क में ख, ग और घ और एक है अंग। चार खुद से लिखना है, एक हम लिख के बताएंगे। चार वस्तु जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, कलम हो गया, किताब हो गया। तो ये मत सोचो कि जो चीज हम लिखेंगे सिर्फ वही वस्तु है, बहुत सारे वस्तुएं आपके नाम आते हैं।
जैसे किवार हो गया, दीवार हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आते हैं हम वस्तु में, जैसे हम लिख देते हैं कलम। कलम क्या हो गया? एक वस्तु है। किताब, कॉपी, कुर्सी, टेबल, बेंच आदि। तो इतने सारे चीज ही सबको खुद से बनाना है। एक हम लिख चुके हैं, मान लो यहाँ पर हम बेंच लिखते हैं, टेबल लिखते हैं, यहाँ पर कुर्सी लिखते हैं, यहाँ पे किताब लिखते हैं। तो इस तरह से, तो ये सारे चीज को आप सब नोट कर लेंगे, यानी अपने अपने कॉपी पर, फेयर कॉपी पर लिख लेंगे। ये होमवर्क के लिए है, गृह कार्य। क्या है आप सबका? गृह कार्य के लिए है, ठीक है? अभ्यास। अब हम आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। अब इसमें दिया गया है, ये तो सारे बच्चे नोट कर लिए होंगे, इसको हम अब मिटाते हैं, ठीक है? तीसरा, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क्या लगाना है? चिन्ह लगाना है, यानी निशान लगाना है। लगाइए, ठीक है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो आते हैं हम, क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द वस्तु का नाम है? निम्न में से कौन सा शब्द वस्तु का नाम है? क में आते हैं हम, निम्न में से कौन सा शब्द वस्तु का नाम है? निम्न में से कौन सा शब्द वस्तु का नाम है? तो पहला आते हैं हम, क्या है, फोन, चोर और गौरव। फोन, चोर, गौरव, ये तीनों में से कौन सा है बच्चों? कौन सा वस्तु होगा? फोन होगा, चोर होगा या गौरव होगा? तीनों में से कौन सा होगा? फोन होगा, चोर होगा या गौरव होगा? तो देखो, चोर जो है एक आदमी है जो चोरी करता है, गौरव किसी का नाम है, तो ये तो संज्ञा होगा, ये तो वस्तु नहीं होगा। यहाँ पे फोन जो है ये वस्तु है, फोन जो है वो वस्तु है, इसलिए हम फोन पर सही का निशान लगाएंगे। फोन पे सही का हम निशान लगाएंगे, ठीक है? ख, निम्न में से कौन सा शब्द स्थान का नाम है? निम्न में से, ख में है, निम्न
निम्न में से कौन सा शब्द स्थान का नाम है? निम्न में से कौन सा शब्द स्थान का नाम है? तो इसमें दिया गया है मेज, मेरठ और कुर्सी। मेज क्या है? मेज, मेरठ। और है कुर्सी। क्या है? कुर्सी। तो देखो बच्चों, मेज मेज क्या स्थान का नाम है? नहीं ना। मेरठ, मेरठ क्या है? स्थान का नाम है या क्या है? कुर्सी क्या होगा? क्या कोई स्थान है? नहीं। मेज एक वस्तु है, कुर्सी एक वस्तु है, तो इसमें सही क्या होगा? मेरठ क्या होगा? ये स्थान का नाम है मेरठ। अब है ग, ग में है निम्न में से कौन सा शब्द भाव का नाम है? निम्न में से कौन सा शब्द निम्न में से कौन सा शब्द भाव का नाम है? निम्न में से कौन सा शब्द भाव का नाम है? ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो भाव का नाम है? सॉरी, गलत लिखा जा रहा है, सही नहीं हो रहा है। हाँ, नाम है सागर, तोता या ईमानदारी। इसमें दिया गया है सागर, तोता या फिर ईमानदारी। ईमानदारी, इसमें से कौन सा शब्द जो है वो भाव हो सकता है? कौन सा शब्द है जो भाव हो सकता है? ईमानदारी होगा या फिर तोता होगा या सागर होगा। तो देखो बच्चों, सागर जो है वो एक नदी है। सागर क्या है? कि नदी है। तोता क्या है? तो एक पक्षी है। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी ये क्या हो सकता है? ये भाव हो सकता है। क्या हो सकता है? भाव। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ईमानदारी। अब इसको अपने से खुद से बनाओगे, लेकिन आज हम इसको बना देते हैं, आगे से खुद बनाओगे। ठीक है, तो देखो सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना था। इसमें से निम्न में से कौन सा शब्द वस्तु का नाम है? निम्न में से कौन सा शब्द वस्तु का नाम है? तो पहला है फोन, दूसरा है चोर, तीसरा है गौरव। तो इसको हम सही बताए चोर तो नहीं होगा, क्योंकि ये चोरी करना आदमी का एक स्वभाव होता है। गौरव, गौरव एक नाम है जो एक संज्ञा होता है। गौरव क्या है? संज्ञा है। ठीक है,
तो क्या होगा? फोन। फोन एक वस्तु है। फोन क्या है? एक वस्तु है, ठीक है। तो निम्न में से दूसरा है ख का, निम्न में से कौन सा शब्द स्थान का नाम है? निम्न में से कौन सा शब्द स्थान का नाम है? मेज है, मेरठ है, कुर्सी है। तो मेज जो है वो एक वस्तु है, कुर्सी जो है वो एक वस्तु है, और मेरठ मेरठ जो है एक स्थान का नाम है, ठीक है। निम्न में से गांव में निम्न में से कौन सा शब्द भाव का नाम है? जो भाववाचक, जो देखने से ही पता चलेगा, आपको अनुभव से पता चलता है। सागर। सागर तो एक नदी है, तोता एक पक्षी है, इसमें क्या होगा? ईमानदारी। क्या होगा सही? ईमानदारी, ठीक है बच्चों। इसको आप सब नोट कर लिए। अब हम आगे आते हैं। अब हम क्या आते हैं? आगे। तो चलो बच्चों, इसके आगे देखो। अब तो आप सब समझ चुके होंगे सही विकल्प पर सही का चिन्ह कैसे लगाते हैं। उसको हम तो पूरा कर लिए, कंप्लीट कर लिए, लेकिन आप सबको अब खुद भी करना है। आप सबको क्या करना है? खुद से अब करना है। तो चलो अब हम लिखते हैं। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित शब्दों में जो संज्ञा शब्द नहीं है उन्हें रेखांकित करना है। इसको खुद से बनाएंगे, हम यहाँ पे सिर्फ बता देते हैं। क्या है? रुई, रजाई, ऊन, मेरा या जुलाहा। तो इसमें क्या है? मेरा, यानी रुई जो है संज्ञा होगा, रजाई भी है जो नाम है, ऊन भी नाम है, जुलाहा भी नाम है, लेकिन मेरा मेरा नाम नहीं है, इसलिए ये संज्ञा नहीं है। ख में है शेर, चिलाना, शिकारी, तीर और हिरन। शेर भी एक पशु का नाम है, शिकारी भी है जो शिकार करता है, तीर भी एक वस्तु है, और हिरन भी एक नाम ही है, यानी एक पशु है। चिल्लाना, चिल्लाना ये भाव में आ जाता है, इसलिए चिल्लाना जो है वो संज्ञा शब्द नहीं है। ग, मोर सुंदर पंख, बरसात और तितली। मोर सुंदर पंख और बरसात और तितली, ये सब संज्ञा होगा। मोर भी संज्ञा है, सुंदर भी संज्ञा है, पंख भी, बरसात और तितली। तो इसमें बरसात जो है वो संज्ञा शब्द नहीं होगा। सुंदर, सुंदर भी हो सकता है। अच्छा, घ, छात्र, अध्यापक, पुस्तक, पूरा और पेंसिल। तो छात्र जो है अध्यापक है, पुस्तक है और पेंसिल है, ये सब क्या है? ये संज्ञा शब्द है, इसलिए ये संज्ञा शब्द जो नहीं है उसमें रेखांकित करना है। तो पूरा, इसमें जो है वो पूरा जो शब्द है उसको हम रेखांकित करेंगे। अब है अंगा, पीली चादर, लड़की, साड़ी, सड़क। इसमें पीली है, चादर है, लड़की है, साड़ी है और सड़क है। तो पीली जो है ये भाव में आता है, चादर है संज्ञा आता है, लड़की है संज्ञा है, साड़ी है संज्ञा है, सड़क है संज्ञा है, इसलिए पीली पर इसमें रेखा होगा। अब आते हैं हम, बॉक्स में दिए गए संज्ञा शब्दों को सही स्थान पर लिखना है। ये जो बॉक्स में दिया गया है संज्ञा शब्द, इसको हम कहाँ करेंगे? इसको हम यहाँ पे लिखना है। किसके सामने क्या चीज लिखना है इसमें से ढूंढ करके और यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। बॉक्स में दिए गए संज्ञा शब्दों को
बॉक्स में दिए गए उत्तर संज्ञा शब्दों को सही स्थान पर लिखना है। सही स्थान पर लिखिए। यहां पर जो बॉक्स में दिया गया है, इस संज्ञा शब्द को सही सही जगह पर लिखना है। तो सबसे पहले हम आते हैं बॉक्स। बॉक्स में हम लिखते हैं मुंबई, मुंबई रोना इसको सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है? मुंबई रोना दिल्ली, दिल्ली चांदनी स्कूटर, स्कूटर चूहा बालिका बचपन बालिका बचपन चावल चावल मदारी ऊन मदारी ऊन और है कोलकाता, कोलकाता, ठीक है? इसको हम बॉक्स बना लिए। क्या बना लिए? बॉक्स। अब इसमें से यहां पर लिखना है, तो हम चलो लिखते हैं इसमें यहां पशु पक्षी का नाम। पशु पक्षी का नाम, वस्तु के नाम, वस्तु के नाम, वस्तु के नाम, फिर क्या है? स्थान के नाम और भाव के नाम। स्थान के नाम और भाव का नाम, भाव का नाम। अभी सबके सामने हम इसमें से लिख लेते हैं। जैसे पशु पक्षी में तोता, चूहा, तोता, चूहा, गाय, ठीक है? वस्तु का नाम हम एक लिख देंगे, स्थान का नाम भी हम एक लिखेंगे और भाव का नाम भी हम एक लिखेंगे। बाकी सारे बच्चे को खुद से लिखना होगा। पूरा का पूरा हम अब नहीं बनाएंगे, तो खुद से इसको बनाना होगा। वस्तु के नाम, वस्तु में हम लिख देते हैं स्कूटर। क्या? स्कूटर।
ठीक है। स्थान में कोलकाता, कोलकाता ठीक है। अब है भाव में, तो भाव में हम लिख देते हैं बचपन, ठीक। और बाकी दो तीन चार पांच छः, इसको खुद से बनाना है। अब तो समझ गए होंगे कि इसमें से हमें क्या करना है। अब तो बच्चों समझ गए कि इसमें आप लोगों को क्या करना है। यहाँ बॉक्स में दिया गया है सारे चीजें का नाम, यानी वस्तु स्थान या और क्या भाव का नाम है इसमें। तो यहाँ से ढूंढ करके और यहाँ पे आप सबको भरना है। ये जो चिन्ह लगाए हैं हम, ये दोनों, ये सब में आप सबको भरना है। तो ठीक है, आप इसको समझ गए। अब हम आगे क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 6 का। तो इसमें है हम यहाँ पे 5 में खुद बता दिए हैं, इसको खुद से खाली चिन्ह लगाना है। और 5 क्वेश्चन को हम यहाँ पे 4 में डाल दिए हैं, तो इसको खुद से, यहाँ तीनों तो हम लिख दिए लेकिन यहाँ आप सबको खुद बनाना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जो यहाँ पे हम 5 नंबर डालेंगे। यहाँ पर हम क्या डालेंगे? 5 नंबर प्रश्न। बॉक्स में दिए गए संज्ञा शब्दों से क्या है? बॉक्स में दिए गए संज्ञा शब्दों से निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। निम्नलिखित काम करते हैं हम, इसको यहाँ नहीं, इसको मिटा करके ऊपर से ही डाल देते हैं। इसको हम कहाँ डाल देते हैं? ऊपर 5 में। इतना तो आप सब जान गए बच्चों। अब हम आगे करते हैं इसका कोशिश बताने का, ठीक है। बॉक्स में दिए गए संज्ञा शब्द को निम्नलिखित तो वाक्यों को पूरा कीजिए, ठीक है। यहाँ पर है 5 हम डालते हैं, जो 6 क्वेश्चन है। इसका प्रश्न है, बॉक्स में दिए गए संज्ञा शब्दों को, संज्ञा शब्दों से निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों को क्या करना है? पूरा करना है। तो अब हम आते हैं, देखिए सबसे पहले है कि इसमें खाली जगह है, कम है, खाली है। बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ बॉक्स में दिया गया है खरगोश, मार्ग, घर, बाजार, माँ, शिकारी और शेर। तो यहाँ पे क्या है कि खाली जगह है, खाली में यहाँ से ढूंढ करके यहाँ पर लिखना है। तो आते हैं सबसे पहले हम क,
खाली जगह है, बहुत तेज दौड़ता है। ख या खाली है, बहुत घुमावदार, बहुत घुमावदार है। ग मेरी, यहाँ पे खाली है, खाली में क्या भराएगा? हलवा। मेरी बीच में खाली है, हलवा बना रही है। कौन बना रही है? बॉक्स में से देना है, लिखना है। बना रही है, ठीक है। घ मेरा क्या है? मेरा, फिर बीच में खाली है, दूसरा खाली है, फिर है के निकट है, के निकट है, निकट है। किसके निकट है बताएंगे हम? अंग। अंग में क्या है? सबसे पहले खाली है, फिर है दूसरा खाली है, इसके बाद के जाल में फंस गया, के जाल में फंस गया, फंस गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे बहुत लिखते हैं, खरगोश, खरगोश मार्ग, ठीक है। घर बाजार माँ, घर बाजार और माँ, ठीक है। शिकारी शेर, शिकारी शेर, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। देखो बच्चों, अब यहां से आप सबको ढूंढ करके और इसमें भरना है। तो हम एक सबसे पहला भर देते हैं, बहुत तेज दौड़ता है। कौन तेज दौड़ता है? इसमें से खुद से चुनिए। खरगोश दौड़ता है, मार्ग दौड़ता है, घर बाजार माँ या शिकारी या शेर। तो यहाँ पे कौन होगा? खरगोश। कौन होगा? खरगोश। तो हम एक में भर देते हैं, बाकी खुद से भरेंगे। खरगोश, क्या भरा गया? खरगोश। इसको खुद से, बाकी सबको ढूंढ करके इसमें भरना है। दूसरा में क्या भराएगा? यह बहुत घुमावदार है। क्या? यह मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता होता है, मार्ग का मतलब रास्ता होता है, तो मार्ग घुमावदार है। तीसरा में क्या है? मेरी खाली है, हलवा बना रही है। कौन बना रही है? मेरी माँ। कौन बना रही है? मेरी माँ। यहाँ है मेरा, फिर खाली है, दूसरा भी खाली है, के निकट है। मेरा घर क्या होगा? मेरा घर। बाजार किसके निकट है?
बाजार के निकट है, मेरा घर बाजार के निकट है। ठीक है, यहाँ पे अंगा में खाली है, फिर दूसरा भी खाली है, के जाल में फंस गया। कौन किसके जाल में फंस गया? शेर शिकारी के जाल में फंस गया। कौन फंसा? शेर शिकारी के जाल में फंस गया। अब तो समझ गए, तो कौन फंसा है यहाँ पे? शेर शिकारी के जाल में फंस गया। अब तो सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। यह यहाँ से मार्ग भर देंगे, यहाँ बहुत घुमावदार है, यह मार्ग बहुत घुमावदार है। मेरी माँ, कौन? मेरी माँ, यहाँ माँ है, यहाँ से माँ हम यहाँ भरेंगे। हलवा बना रही है, मेरी माँ क्या कर रही है? तो हलवा बना रही है। चा मेरा घर, मेरा घर, बाजार, यहाँ क्या लिखा है? बाजार के निकट है। अंग, शेर क्या भराएगा? शेर, दूसरा में क्या भराएगा? शिकारी, शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर शिकारी के जाल में क्या हो गया? फंस गया। ठीक है, अब तो सारे बच्चे इतना कर लिए होंगे। अब इसके आगे हम लास्ट क्वेश्चन बताते हैं। संज्ञा शब्दों से शब्द पहेली को पूरा कीजिए। संज्ञा शब्दों से ही शब्द पहेली को पूरा करना है। इसको हम सारे बच्चे को हम खुद बताते हैं और इसको खुद से बनाएंगे। क्या है? मेरा बिना मकान अधूरा है। किसके बिना? मेरा बिना मकान अधूरा है। तो किसके बिना मकान अधूरा है? दरवाजा के बिना। किसके बिना? दरवाजा के बिना। ख है, मेरा रंग नीला है, मैं पृथ्वी के ऊपर हूँ। मेरा रंग नीला है, मैं पृथ्वी के ऊपर हूँ। तो इसमें क्या है? मेरा रंग नीला है, किसका रंग नीला है? आसमान का। किसका रंग नीला है? आसमान का। यहाँ पर हम आसमान भरेंगे। ग, मैं खेतों में अन्न उगाता हूँ। मैं खेतों में अन्न उगाता हूँ। क्या पृथ्वी भरेंगे या धरती भरेंगे? पृथ्वी भरेंगे या धरती? मैं सबको दुनिया भर की खबरें बताता हूँ। मैं सबको दुनिया भर की खबरें बताता हूँ। क्या होगा? अखबार। क्या होगा? अखबार। ठीक है, मैं वस्तुओं को तोलने के काम आता हूँ। मैं वस्तुओं को तोलने का काम आता हूँ। किस पर तोला जाता है? तराजू। किस पे? तराजू पर। मैं वायु में उड़ती हूँ। मैं वायु में उड़ती हूँ। क्या होगा? वायु का मतलब तो ऐसे भी हवा होता है। वायु का मतलब हवा होता है। तो हवा में क्या उड़ता है? इसमें यानी कि सारे बच्चे इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे। मैं बिना, यानी मेरे बिना मकान अधूरा है, दरवाजा, मेरा रंग नीला है, आसमान। तो इस सारे चीज को हम बता चुके हैं। अब सारे बच्चे इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे और इसको सही से बनाएंगे। जो चीज बन चुका है उसको देख देख करके सारे बच्चे इसको यानी बॉक्स से इसमें ढूंढेंगे और इसमें लिखेंगे। ठीक है, और इसको आगे पढ़ करके याद करेंगे। एक गृह कार्य है, यानी घर से बनाने के लिए है। इसमें हम संज्ञा में, संज्ञा का पाठ इतना ही था। यानी संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा हम पहले भी बता चुके हैं कि जिस, यानी कि संज्ञा यानी जिस संज्ञा शब्द से, यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव
का नाम, यानी किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, पशु, पक्षी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ऐसे मुख्य रूप से 3 होते हैं, लेकिन संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन बच्चों, आप सबको अभी 3 ही पढ़ना है। आप सबको क्या पढ़ना है? 3 ही, क्योंकि आगे क्लास में जाओगे तब तुम लोगों को 5 पढ़ना है, लेकिन जानकारी होना चाहिए, ठीक है? तो 3 क्या पढ़ना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है? तो अब हम आते हैं इसमें। व्यक्तिवाचक का परिभाषा हम बता चुके हैं, जातिवाचक का भी परिभाषा बता चुके हैं और भाववाचक का भी परिभाषा बता चुके हैं। तो पार्ट 5 का संज्ञा अब सबको यानी कंप्लीट हो चुका है और इसका अभ्यास का भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। जो क्वेश्चन पूरा नहीं किए हैं इसको खुद से बनाएंगे, क्योंकि ये गृह कार्य में दिया हुआ है, और जो क्वेश्चन पूरा कर दिए हैं उसको आप सबको अच्छे से याद करना है। तो ठीक है बच्चों, अगले क्लास में फिर और बताएंगे, ठीक है?